बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे साथ रहिए हसीन होने के लिए। जी व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है, आज की जो रेमेडी बना रही हूँ वो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट ये थी कि प्लीज़ आप भी हमारे लिए जो है ओपन पोर्स के लिए कोई रेमेडी बता दें। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ जो रेमेडी, उसके जो है डबल बेनिफिट्स मैंने पाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वो असल में तो मैंने उसको बनाया था ओपन पोर्स के लिए, लेकिन उसके जो मुझे बेनिफिट्स बाद में मिले वो मैं देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो गई। रेमेडी बनाने के बाद मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। तो रेमेडी के लिए जी सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है हनी। ये मैं हनी ले रही हूँ, हाफ टी स्पून। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। ये अगर आपके पास एलोवेरा जेल जो है फ्रेश है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, मेरे पास नहीं है तो मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये हाफ टी स्पून जितना जो है मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ। एक दफ़ा के यूज़ के लिए, फेस के लिए इतनी जो क्वांटिटी है वो इनफ है। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें अर्के गुलाब रोज़ वाटर। ये मेरे पास शावर वाला है तो इसको मैं जो है खोल के यूज़ कर रही हूँ। हाफ टी स्पून जो है इसमें मैंने रोज वाटर लिया है। उसके बाद जी मैं इसमें ले रही हूँ सिरका, एप्पल साइडर विनेगर, ये भी मैं हाफ टी स्पून जितना लूंगी। ये बड़ी बॉटल है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं रही। उसके बाद लेमन हाफ टी स्पून, अब होगी इसकी मिक्सिंग। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं सारे के सारे बेनिफिशियल हैं बहुत, हमारी स्किन के जो एक्सेस ऑयल होता है उसको ख़त्म करने के लिए, और जो पिंपल्स और एक्ने की वजह से जो पोर्स ओपन हो जाते हैं, किसी और रीज़न से पोर्स ओपन हो जाते हैं उनको भी जो है ये मिनिमाइज़ करता है और स्किन जो है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। अच्छा, जब मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया तो इतने हैरतअंगेज़ इसके जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने पाए, मेरी फ्रैकल्स इससे जो हैं वो गायब होना शुरू हो गए। और आप यकीन करें कि जहाँ से फ्रैकल्स जो हैं मेरी गायब हुई थी वहाँ दोबारा नहीं आई। वरना ऐसा होता है कि कोई भी आप रेमेडी यूज़ कर रहे हो या कोई भी आप क्रीम यूज़ कर रहे हो, अगर यूज़ करते रहो तो ठीक है, नहीं तो फ्रैकल्स जो है वो ऐसी चीज़ है कि दोबारा वहाँ पे आना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन जो फ्रैकल्स गई हैं ना, उसके चीज़ों में बाकी भी मैंने रेमेडीज उसके साथ ही यूज़ की थी, ये भी मैंने किया था उसके साथ। 8 डेज़, 1 हफ्ते के लिए मैंने इसको यूज़ किया और उसका ये मुझे फ़ायदा हुआ कि वो मेरी जो फ्रैकल्स थी वो गायब हुई और दोबारा वहाँ पे नहीं आई। तो प्लीज़ गर्ल्स, आप इस रेमेडी को 8 दिन के लिए तो यूज़ करके देखें और फिर मुझे बताइएगा कि आपके जो पोर्स हैं वो भी, आपकी स्किन जो है इवन हो जाएगी और आपके अगर कोई डार्क स्पॉट्स हैं तो वो भी गायब हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो इसको जो है सिंपली आपने लेना है इस तरह से, कॉटन की कोई ज़रूरत नहीं है, आधा तो जो हमारी कॉटन है वो इसको सक कर लेती है। तो कॉटन से नहीं, आप हैंड से ही, अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं तो उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो इस तरह जो है आप अपनी स्किन पे इसको अप्लाई करो और जितनी देर भी रहने दो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वरना 15-20 मिनट तो एटलीस्ट आप इसको रहने दो, उसके बाद आप वॉश करो और ज़बरदस्त रिजल्ट्स जो हैं आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दुआओं में मुझे याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक दुआ के साथ रहिए हमेशा अल्लाह की अमान में।